अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी वहीदीन, यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज फरीका। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग आपके ही सपोर्ट से बहुत अच्छे हैं। हम लोग ना रेगुलर वीडियोस डाल रहे थे। हमारे घर पर छोटा सा कपड़ों का बिजनेस है ना, तो हम लोग डेली आप लोगों को टॉप्स, लेगिंग्स, टी शर्ट्स ऐसे सब बता रहे थे ना, तो कमेंट्स में बोल रहे थे डेली ब्लॉग निकालो आप लोग, मतलब घर में रेसिपीज कुछ भी बना दे वो निकालो बोल रहे थे। तो इसलिए हम लोग सोचे बिरयानी रेसिपी बनाए और थोड़े रेसिपीज डाले हम लोग, तो और एक देसी घी बनाएंगे बोल के सोच रहे। तो देसी घी कैसे बनाते हैं आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं आज। हाँ तो चलेंगे परिहा बताएंगे। हाँ ठीक चलो। है चलो चलो चलो। फ्रिज में है, निकालो मलाई। आइए फ्रेंड्स, ये है मलाई। ये देखिए फ्रेंड्स मलाई है, 20 डेज की तो भी होंगी है। हाँ तो फ्रिज में रख देना है ऐसा निकाल के। दूध की मलाई से भी बना सकते हैं और दही की भी मलाई से भी बना सकते हैं। हाँ तो हम लोग ऐसे भिजी है, दही बहुत अच्छा खाते हैं। कौन है आपको पता है, चल गया होंगे आप दीदी। हम लोग फ्रिज में का पानी लेना है, ठंडा रहना है पानी, ऐसा एकदम बर्फ के जैसा, थोड़ा गर्म नहीं थोड़ा ठंडा भी बनाना है। और ये मलाई लेना है, ग्राइंडर के जार में डाल देना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालें और बर्फ वाला पानी इसको अच्छे से फिरने देना है। तो थोड़ा लेट ही छोटा है। और थोड़ा फिरना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी भी थोड़ा डालना है। 2 मिनट के बाद ऐसा हो जाता है तो आधा हो गया और आधा होगा, इसको फिर से ग्राइंडर में कर देना है। और थोड़ा होना है, और 2-3 मिनट के बाद हो जाएगा। फिर से एक बार ऑन कर लेंगे, एक बार खोल के देखो पहले कि रेडी हो गया है। हाँ इस दूसरे का तो उसे निकालेंगे हम। थोड़ा लो ऐसा हो जाता है। ये है उसका, और फिर से एडजस्ट कर लेना है हम लोग। और भी थोड़ा बचे हुआ है, आधा डालो। फिर से कूल वाटर डालना है, थोड़ा नॉर्मल वाटर। इसको भी आप देख सकते हो ऐसा हो जाएगा। तो इसे फिर 2 मिनट के लिए रख देना है, और 2 मिनट रखना है, थोड़ा लेट हो जा रहा है। खोल के देखो थोड़ा है, पूरा डालो।
तो ऐसा बन गया है ये। ठंडा पानी डालने से निकलता है, अपन नॉर्मल पानी डाले तो निकलता है। 20 डेज की बनाई है, मस्कर हो कितना कम निकला है फ्रेंड्स। तो ये जो छाछ है ना, अच्छी रेमेडी है ये। अपन थोड़ा डैंड्रफ रहता, थोड़े लोगों को जुआ लिखा वो सब रहते ना, उन लोगों के लिए अच्छा रेमेडी है ये। तो सर पे अच्छा मसाज कर देना है, ये पूरा लगा के बाल बहुत अच्छे शो नहीं देते हैं। और इसको एक में निकाल लेना है, इतनी गाड़ी है। ठंडे पानी से वॉश करना है इसे। क्योंकि 20 डेज का है ना, ये थोड़ा वो नहीं है जैसे, थोड़ा अच्छे से वॉश करना है। एकदम ठंडा पानी, ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करना है इसको। पानी में हेरे साथ निकालना है। देखेंगे हम तो उसको हम लोगों ने गर्म कर लेना। चलो हटो, इसको स्टॉप रखना है। तो देखना दोस्तों किस तरीका है। अच्छा से पकने लेना है, थोड़ी देर फुल रखना है आंच और थोड़ी देर कम पे रखना है। और इसमें इलायची डालना है, थोड़ा अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। डालती ना नहीं बच्चे, हाँ डाल दो। सोमसेंस करेंगे, देख सकते हो दोस्तों, और थोड़ा बना है। ये रेडी होने वाला है, रेडी होने वाला है। ये कैसा पता चलता है ना, ये थोड़ी छाछ अभी भी निकाले थे ना हम लोग, ये वाले 2-3 ड्रॉप्स डालना है। ये थोड़ा आवाज आ जाएगा, इससे खुशबू भी आ जाएगी और ये रेडी हो गई है तो पता भी चल जाएगा हम लोगों को। छोटा सा ट्रिक है, देख सकती हो कितना अच्छा बन गई है। वाह कितनी अच्छी बॉ आ रही, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। रेडी हो गया, तो बंद कर देंगे। बंद कर दो हरिया, तो इसको हम लोग ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद छानी कर लेना है।
देखिए ना फ्रेंड्स, देसी घी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक शेयर कमेंट कर देना, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर देना, ताकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।